दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। इस तरीके की जो प्राइवेट वेबसाइटें हैं जो हम लोगों को ऑनलाइन फ्लाइट्स के टिकट प्रोवाइड करवाती हैं, अट्रैक्टिव प्लान्स दिखा करके और बहुत सारे डिस्काउंट दिखा करके कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि जिससे हम लोग इन्हीं की वेबसाइट से टिकट्स बुक करें, तो ये कितनी रिलायबल और कितनी जेन्युइन है, आप कितना सिक्योर हैं अपनी जर्नी को लेकर के और कितने आश्वस्त हैं जो टिकट बुक करने के बाद भी फिक्स नहीं है कि आप जर्नी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इस वीडियो को देख करके आप खुद डिसाइड करें कि ये वेबसाइटें वास्तव में हमारी दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने अगर हैप्पी इजी गो से टिकट बुक किया 13 अक्टूबर को, मेरी पेमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, मेरा अकाउंट कट आप लोगों ने 13 अक्टूबर को, मुझे आपने एक टिकट की सॉफ्ट कॉपी जारी कर दी जिसपे स्टेटस लिख दिया आप लोगों ने अपकमिंग। आज मैं टिकट देख रहा हूँ तो आपकी वेबसाइट पे मुझे मेरा स्टेटस फेल दिखा रहा है। इसका रीजन क्या है? और एक हफ्ते बाद पैसा वापस कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अमाउंट पे सीट आपने वेबसाइट पे शो किया, बुक हुआ, डिडक्ट हुआ, उसके बाद वो अमाउंट 8 दिन बाद मेरे को वापस करके आज आपका एग्जीक्यूटिव मुझसे बोलता है कि वो मेरी स्लॉट फुल हो गया था इसलिए आपका पैसा वापस कर दिया। मुझे इन्फॉर्मेशन दिया क्या आप लोगों ने? आप हैप्पी इजी गो की तरफ से बोला, आपने इन्फॉर्मेशन दिया, कोई मैसेज किया? आप हमने रिकॉर्ड में चेक करिए ना सर, आप हमारी वेबसाइट पर से हमारे टर्म्स एंड कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। हम बुकिंग का कॉन्फर्मेशन नहीं देते कि फॉर श्योर आपका टिकट बुकिंग होगा। अगर सर फेयर सेम रह रहे तो हम टिकट इशू कर देते हैं। अगर फेयर में फ्लक्चुएशन होता है या फिर नहीं, मुझे ये बताइए, फिर अगर सीटें फुल थी तो आपने टिकट तो फिर आपने एक्सेप्ट क्यों किया रिक्वेस्ट? सर आप जानते हैं कि हैप्पी इजी गो सर एक ट्रैवल एजेंसी है, आप हमें अपना अमाउंट पे करते हैं, आपका अमाउंट सर एक्सेप्ट करने के बाद हम आपका अमाउंट एयरलाइन को पे करते हैं, एयरलाइन हमें टिकट की कॉपी देता है, तो हम हैप्पी इजी गो के फॉर्मेट में आपको टिकट की कॉपी मेल कर देते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है क्योंकि एयरलाइन का फेयर था सर वो हाइक हो गया था या फिर चेंज हो गया था, तो एयरलाइन से सर हमें टिकट की कॉपी नहीं मिली, तो हमने आपको जो अमाउंट है वो फिर रिफंड कर दिया। कोई इंसिडेंस है कि बैंक से भी कोई मैसेज नहीं आया और मैं हैप्पी हूँ कि मेरा टिकट बुक हो गया है? ये तो आज पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं देख रहा हूँ आप मेरा स्टेटस फेल लिख दिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और आप अपनी कंपनी की ये पॉलिसी बहुत खूबसूरत से बता रहे हो कि हमारी कंपनी टिकट कैंसिल कर देती है तो हम लोग इन्फॉर्म नहीं करते किसी को। अगर आपकी कंपनी की ये पॉलिसी है तो फिर आपकी कंपनी भाड़ में जाए चूल्हे में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे सीट कोई मुझे वो अल्टरनेट मेरा कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो मैं इसको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूँ। बात खत्म। बहुत ही मेरी इंपॉर्टेंट जर्नी थी जो मुझे 25 को शुरू करनी थी, मुझे बाई एनी हाउ मुझे 26 को लखनऊ पहुँचना था। सर हम इस पे आगे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे सर, जैसे हम ऑलरेडी आपका अमाउंट रिटर्न कर दिया सर, अभी हम आपका बिना इन्फॉर्मेशन के अमाउंट कभी भी सीधे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उसके बाद आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, राइट? जैसे आपने कभी कॉल किया है तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया सर। ठीक है, आप कोई हेल्प नहीं कर सकते, राइट? राइट सर। अगर आपको बुक करना है टिकट, आप हमारी वेबसाइट पे सर आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आपकी कंपनी और आपकी वेबसाइट ये लास्ट हो गया है, और ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी वेबसाइट कोई यूज ना करे, क्योंकि आपके जो वर्किंग प्रोसीजर है वो बहुत ही थर्ड क्वालिटी का 1980s के टाइम का है, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिसका कोई एक अपना रेपुटेशन नहीं है।